गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास एट्स एट्स जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.6 एट क्लास में 2.6 जो एक्सरसाइज चल रही है, तो फर्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दे रखी है उनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है वो है 8x - 3 upon 3x = 2 = 2। आपको पता है जब दो फ्रैक्शन होती है a upon b = c upon d, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बोलते हो उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या बोलोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, यू मल्टीप्लाई होगा, ये वाली नंबर इस नंबर से, ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ad = bc, ये होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम करके देखते हैं। तो इसको ये फ्रैक्शन है 8x - 3 upon 3x = 2, ये तो टोटल एक फ्रैक्शन है, और इधर ये और मैंने भी ये भी एक फ्रैक्शन बना दी। ठीक है, अब दोनों में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई गिव, क्या देगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मिलेगा हमें 8x - 3 = 3x = 2, यही होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा होगा 8x - 3 = ये कितना हो गया, 6x हो गया, ये 3 इधर जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, कितना होगा 8x - 6x = 3, क्या होगा 8x - 6x = 3। ठीक है, अब देखो ऊपर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, 8x - 6x = 3। ठीक है, 8x - 6x = 3, 8x में से 6x किया तो कितना बचा, 2x = 3, x इक्वल टू कितना आएगा, 3/2, कितना आएगा, 3/2, तो ये हमारा आंसर कितना आया, x = 3/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आंसर हमने देख लिया कितना आ गया, x = 3/2। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कुछ ही नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लाई की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये रहेगी, इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा, अन्यथा अदरवाइज नो पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला है 9x / 7 - 6x = 15। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन 9x / 7 - 6x = 50/1, ये एक फ्रैक्शन हो गई है, सेकंड फ्रैक्शन हो गई, उस फॉर्म में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, लिख डालो क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गिव्स 9x = 1 = 7 - 6x = कितने से, 15 से, बिल्कुल
तो ये कितना होगा, 9x हो गया, 9x इक्वल टू कितना हो गया, 90x, ठीक है, ये 90x है, इसमें है माइनस में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हुई, 9x इक्वल टू 105 माइनस 90x, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, इस x को इधर ले आए कितना होना होगा हमारे पास, 9x प्लस 90x इक्वल टू 105, ठीक है। 90 और 9x कितना होगा, 99x इक्वल टू 105, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये 99 इधर डिवाइडर्स पे चले जाएंगे, कितना आएगा, 15 अपॉन 99। इसको आगे सॉल्व करो, 3 की टेबल से जाएगा, 105 3 की टेबल से कितनी टाइम जाएगा, 3 9 1 5 5 कितना हुआ, 35। ऊपर क्या हुआ, 35 और नीचे 99 में 3 की टेबल से 3 9 9 3 9 तो कितना हुआ, 33। तो हमारा x की जो वैल्यू आई वो कितनी हुई, 35 अपॉन 33, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ ही नहीं करना है, जो एक तो हमें देखना है कि जो प्रॉपर है, एक ही फ्रैक्शन होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए अपॉन 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ 9x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7 माइनस 6x मल्टीप्लाई 15, 9x मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 9x और 7 मल्टीप्लाई 15 से तो 105 माइनस, माइनस से माइनस, 6x मल्टीप्लाई 15 से 90x, 90 माइनस में 90x इधर इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, 9x प्लस 90x इक्वल टू 105। तो इन 90 प्लस 90 कितना होगा, 99x इक्वल टू 105। अब 99 का यहाँ डिवाइडेशन हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा, 105 अपॉन 99। इसको हम और भी शॉर्टकट के अगर शॉर्ट फ्रैक्शन में लाए तो वो होगी 3 की टेबल से दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो 35 टाइम हो जाएगा, ये 33 टाइम हो जाएगा, ठीक है। 35 अपॉन 33 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।